दिखाइए ये सब मटेरियल है, इस प्रकार से मटेरियल रहेगा तो बहन से पुल गिरेगा कि नहीं गिरेगा आप ही बताइए हमको नीतीश कि जब ये पुल नहीं गिरेगा, जब 3x2 के बीम है, बीम में 5 सरिया लगाया गया है, जब इसमें कम से कम 8 से ऊपर सरिया लगाना चाहिए, जब इसमें 5 सरिया लगाया है, अभी मटेरियल देखिए मटेरियल कैसा है। बिहार से इंजीनियर लोग अपना घर बनाएगा कभी? कभी नहीं बनाएगा। आ इसमें सबसे ज्यादा दोषी है यहाँ के नेता और यहाँ के मतलब विधायक ये सब। अभी हम मौजूद है सुगौली प्रखंड के माली पंचायत में, यहीं पे देखिए एक पुल गिर गया है। आए दिन मतलब कि साल में लगता है 10 भी ज्यादा पुल बिहार में गिर चुका है। जैसे एक पुल भागलपुर में गिरा, 1700 करोड़ के लागत में पुल बना था, वो भी पुल 2 पहले ही गिर गया। सेम उस अब हमको इंजीनियर साहब ये बात बताइए जो इसमें आप कौन से रेशियो का माल लगाए हैं, ये हाथ से ही पूरा जैसे हवा में उधिया जा रहा है, इसका रेशियो देखिए, ये कौन सा मतलब रेशियो है, कितने का माल लगाया है इसमें। इस प्रकार से इंजीनियर लोग अपना घर बनाएगा कभी? कभी नहीं बनाएगा। आ इसमें सबसे ज्यादा दोषी है यहाँ के नेता और यहाँ के मतलब विधायक ये सब दोषी है, और यही दोषी है, इन्हीं लोग के वजह से पुल आज गिर गया। 1,35,00,000 रुपया के लागत से पुल बना था। ये पुल बना था इसलिए कि उस पार के गांव के लोग और इस पार के गांव के लोग दोनों लोग को आने जाने में आसानी से वो लोग चल जाए। आ यहाँ पे भ्रष्टाचार करने के बाद देखिए एक छोटा सा रोड बनाया गया इसमें, जे अब इस रोड से लोग जाएगा लोग, इसीलिए बाबू बनाया गया वो रोड वाको। हाँ। किस लिए बनाया गया है? जो लोग उसमें आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। हाँ। यहाँ पे पुल गिर गया उसके बाद। हाँ। यहाँ तक तो सही था, अब एक बात और बताइए जे रेलिंगवा का, ये रेलिंगवा कैसे उधिया गया जब इस पे तो लोड पड़ा तो गिर गया, तो ये रेलिंगवा कैसे उधिया गया, आ इसमें का सरियावा क्या हो गया वो भी बताइए, और इसमें का सरिया क्या हुआ, इसमें तो सरिया लगा नहीं होगा। अब बताइए कि जब ये पुल नहीं गिरेगा, जब 3x2 के बीम है, बीम में 5 सरिया लगाया गया है, जब इसमें कम से कम 8 से ऊपर सरिया लगाना चाहिए, जब इसमें 5 सरिया लगाया है, अभी मटेरियल देखिए मटेरियल कैसा है। इधर 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 लाइए कैमरा, पूरा नजदीक से लाइए, नजदीक से दिखाइए, इसमें दिखाइए ये सब मटेरियल है, इस प्रकार से मटेरियल रहेगा तो बहन से पुल गिरेगा कि नहीं गिरेगा आप ही बताइए हमको नीतीश कुमार जी, और आप ही बताइए हमको जो पुल गिरेगा कि नहीं गिरेगा। इस प्रकार के अगर मटेरियल लगेगा पुल में तो गिरेगा कि नहीं? इस प्रकार के करप्ट इंजीनियर और ठेकेदार पर क्यों नहीं आप कार्रवाई करते हैं, इस बात को जवाब चाहिए। और यहाँ के जितना भी मीडिया है, जितना भी मीडिया कर्मी है, वो लोग आइए और इस सच्चाई को दिखाइए। आप लोग इस न्यूज पर चलाइए, यहीं पे आके वीडियो बनाइए, आप भी चलाइए, सही खबर दिखाइए। और बाबू इसमें का सरिया कौन लेके गया है यहाँ से? अब ठेकेदार लोग काट लिया है, ठेकेदार ले गया है। देखिए लड़का सच्चाई बोल रहा है, जिस ठेकेदार यहाँ का ठेकेदार और इंजीनियर ले गया है सरिया, ले गया है कि नहीं ले गया है? ले गया है। एक बात और ही बताई कि हैंग और हुआ घर में, अगर ये थी मटेरियल का उपयोग हो गया तो छतो बनत हुई है लखा, ये थी मटेरियल से बनी कोबू एम मसाले नहीं थे? अब बताइए तो मसाले नहीं किया, देखिए भाई जब भाई पूरा यहाँ से आई पूरा में माटी माटी बा बोकता जाता, तो पुल गिरी कि ना? अच्छा पुल में मतलब केकर दोषी मानता नहीं पुल गिरल बा? तो पुल बनावे लगे दोष मानल जाई, इंजीनियर के में गलती बा कि ना ठेकेदार के? एकदम सही बात बा, मानता नहीं हमने ढाला वो बगल बनी बेलवती आगे बन जी, लेकिन इने खेत बाड़ी बात आदमी आते जाते आते जात आ रोड बा तो हर एक लोग तो चलबे कर। अभी बरसात होता देखी मोटरसाइकिल की हमर होदे खड़ा बा जी, हो महे निकले लना हो पड़ा मोटरसाइकिल लाई गेल, अभी 4 दिन भेल है गिट्टी गिरा वाला ई थी ईटा का टुका, तो ओई सब के चलते नहीं पुलवा का निर्माण भइल जे पुल पर अच्छा से लोग जाई आई। मानता नहीं अगला काम करता है ओमे हमनी के यें देखना नहीं काम हो रहा? हाँ, काम हो रहा बा, लेकिन रात आ दिन हमनी यहां तो बैठल नहीं की बैठल कावना हिसाब से काम होता जी। आ काम भइल आ पुल बस सक्सेस ना भइल, सक्सेस ना भइल, पुल गिर गइल पूरा में मतलब की भ्रष्टाचार भइल बा तबे तो ई पुल गिरल बा। एकदम सही बात भइल बा कि ना? अगर माने इधर आइए कैमरा और दिखाइए, उठा के देखी ना तेरे, बताइए इस प्रकार से अगर काम होगा तो पुल गिरेगा कि नहीं गिरेगा आप ही लोग बताइए।
हाथे भुगता है। इसमें सबसे दोषी माना जाएगा ठेकेदार और इंजीनियर को। हाँ। यही दो लोग मिलकर आए पुल को गिराया है। एकदम सही बात है, गिराया कि नहीं? मजदूर अपने मन से थोड़े डालेगा मटेरियल। मजदूर को जो आप ठेकेदार है तो आप उनको मटेरियल दीजिएगा उतना। हाँ। तब तो डालेगा। एकदम सही बात। तो मजदूर 200-400-500 रुपए का दहाड़ी करता है। हाँ। उससे क्या मतलब है उन लोग का, जो पुल गिरेगा कि नहीं गिरेगा? ये सब इंजीनियर और ठेकेदार को इसमें दोषी है कि नहीं? एकदम सही बात है। उसी के कहने पर ना मजदूर डाला है। तब 5 बोरा की जगह पर 2 बोरा डालो। 2 बोरा डालो। हाँ। जब ऊपर से आदेश आएगा उतना ठेकेदार बोलेगा तो उतना वो डालेगा। सारा पैसा पैकेट में धोल लिया लो, चल दिया लो यहाँ से। यहाँ के लोग भुगत रहा है ना, गाड़ी जा रहा है ना आदमी जा रहा है। इसमें आदमी मर रहा है, इधर के आदमी इधर मरेगा, उधर के आदमी इधर मरेगा, एकदम मरेगा। अगर पानी बाई चांस पानी भी ऐसा मतलब एरिया है कि इसमें पानी 4 रोज पहले ईंटा टुकड़ा गिरा है। देखिए मोटरसाइकिल खड़ा, देखिए इतना पाकी पकड़ लेता है मोटरसाइकिल में, आने जाने में आने जाने में होता है कि क्या बताएं। वही सब प्रॉब्लम के लिए पुलवा का निर्माण किया गया है, मतलब सुरक्षित से लोग जाएगा आएगा इस पार से। वो ईंटा का टुकड़ा गिरा हुआ 4 रोज। हाँ 4 रोज, नहीं तो इतना उस पे बाकी हो जाता था कि उस वाला रोडवा में, उस वाला जो आपका बाइक लगा है। हाँ, बाइक लगा है कि इसे खाली ढकलाता नहीं था, इतना ज्यादा पाक इतना था। आने जाने में दिक्कत। देखिए यही सब परेशानी के कारण यहाँ पे पुल का निर्माण किया गया। इसमें इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ, जो पुल मतलब कि उद्घाटन से 1 महीना पहले ही ये पुलवा गिर गया। तो इसमें सबसे ज्यादा दोष उसका होगा, इंजीनियर और ठेकेदार का। तो उसमें आप लोग कड़ी से कड़ी सजा हो और उनका मतलब कि संपत्ति के भी जांच हो जाए।